नमस्ते। एक बार की बात है कि जंगल के सभी जानवरों ने एक स्कूल खोलने का विचार किया और उस स्कूल के अंदर शिष्य थे, छात्र थे, एक चिड़िया, एक खरगोश, एक कुत्ता, एक मछली। और इन्होंने स्कूल का पाठ्यक्रम ऐसा बनाने का सोचा कि सभी जानवरों को सभी तरह की शिक्षा दी जाए। अब बारी आई शिक्षा की। शिक्षा के समय में उन्होंने देखा कि चिड़िया जो है वो उड़ने में तो बहुत माहिर है, लेकिन बिल खोदने में उसकी चोंच टूट गई है और उसके पंख जो हैं वो भी झड़ गए हैं, इसलिए उसे अब उड़ान भरने में भी तकलीफ हो रही है और फाइनली अब वो उड़ नहीं सकती। उधर दूसरी तरफ मछली तैरने में तो माहिर थी, लेकिन पेड़ पर चढ़ना, बिल खोदना, उड़ना ये सभी उससे नहीं हो सकता था क्योंकि वो पानी से बाहर नहीं आ सकती थी। और खरगोश बिल खोदने में तो माहिर था मगर बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हुए गिर पड़ा, उसने अपने पंजे तुड़वा लिए और अब वो ढंग से बिल भी नहीं खोद सकता। अब वहां पर इस पूरे शिक्षा क्षेत्र में एक कुत्ता था जिसने हर काम करने की कोशिश की मगर शिकायत करता रहा कि भाई ये गलत काम है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरह की शिक्षा के पीछे आज हम पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन या आने वाली जनरेशन हर विषय के अंदर महारत हासिल करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर विषय के अंदर बहुत पारंगत हो। एक विषय के अंदर उसे बहुत अच्छा करना है और वो विषय कौन सा है वो आपको ढूंढकर उनके सामने रखना होगा। उस विषय में जिसे उनको इंटरेस्ट है अगर वो अपने आप को निखारते हैं तो बाकी सभी विषय उनके लिए गौण हो जाते हैं। हमारे लिए शिक्षा बहुमुखी होनी चाहिए मगर चरित्र को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देना हमें आवश्यक होता है। शेक्सपियर ने कहा है कि मेरी पूरी जिंदगी बीत गई जानने में और मैंने आखिर में ये जाना कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं था। दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस उस एक चीज पर लगे रहिए जो हमें जानकर खुशी देती है, जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है। आपने सुना होगा विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एक आइडिया लो, उसको सोचो, उसको मथो, उस पर विचार करो, उस पर डिस्कशन करो, उसको लोगों तक ले जाओ और उसी को बस अपने मन में बड़ा होने दो और धीरे धीरे देखोगे कि वह आइडिया, वह विचार हकीकत में परिवर्तित हो रहा है। तो किसी एक पर ध्यान दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।